साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल। इस वीडियो में मैं आपको ये जो बेस ऑन कंपनी का ये जो बोर्ड है इसी को आपको सेट में लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से बजता है। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, ये बेस ऑन का जो बोर्ड है ये 3D बोर्ड है, 3D बेस बूस्टर बोर्ड है ये जो इसके अंदर है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको कि किस तरीके से है ये इस तरीके से इसका बोर्ड है बेस ऑन कंपनी का 3D साउंड के लिए। इसमें होगा क्या, आपको 3D इफेक्ट आएगा इसको लगाने के बाद, और इसमें आप चाहे तो इसको लगाने के बाद इसमें 3D इफेक्ट आएगा। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ ये, तो चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और फिर बाद में इसको चला के भी दिखाऊंगा। तो पहले हम इसे 40-40 के सेट में फिट करके देखेंगे किस तरीके से चलता है, उसके बाद फिर इसे और ऊपर के जो सेट होते हैं 30-55 हुआ ST के, इनमें भी फिट करके देखेंगे इसी बोर्ड को ही कि सब में किस तरीके का इफेक्ट आता है, किस में अच्छा आता है या किसी में किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास एक सेट है वो एम्पलीफायर है 44-40 का, तो मैं इसी के अंदर ही लगा के आपको बताऊंगा किस तरीके से है ये। तो सब उससे पहले आपको एक ये जो है कनेक्शन कर लेना है, जैसे कि 3-0 की वायर है, 3 वाली, इस तरीके से बीच में मैंने जोड़ दिया है तीनों को आपस में, और इधर भी 3 की हो गई, इधर भी इस तरीके से एक ये कनेक्टर हो गया। उसके बाद जो ये 3 है आप यहाँ देख सकते हैं, कनेक्शन करने के लिए आपको जो यहाँ पे ये मिलेगा कनेक्शन, ये जो है ये दोनों आपस में एक ही ब्लू वाली जो वायर है और हरी वाली, ब्लू वाली इधर जुड़ रही होगी, हरी वाली पीछे, आपको दोनों को एक पे ही कर देना है ताकि ये वाला जो कार्ड के लिए होता है ये हमेशा ऑन रहे। 44-40 सेट में जो है इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 2 वायर यहाँ से निकालनी है जहाँ से 12 वोल्ट आती है, आप चाहे तो यहाँ जोड़ सकते हैं या DC पे से भी आप 2 वायर, यहाँ DC है ये, यहाँ से भी आप 2 वायर जोड़ सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि तो सबसे पहले यहाँ से ऑडियो जो है यहाँ से आउट होती है ऑडियो, और जब भी यहाँ से अगर आउट होती है तो इसके इन जहाँ होगा उसमें देनी होती है ऑडियो, इसके आउट के इस जो इसमें से आउट होगी ऑडियो वो इसके इन तक जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे कि इसके आउट में जो है ये 3 वाली वायर है वो जोड़ लेते हैं, ग्राउंड और एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट इन हाई लिखा हुआ है, ग्राउंड फिर राइट इन, तो यहाँ से तो आउट हुई है ये, जहाँ से भी ऑडियो आउट होती है हमें दूसरी जगह उसको इन करानी होती है। जब यहाँ से आउट हुई है आउट को आउट पिन लगा सकते हैं आप, तो यहाँ इन लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो हम यहाँ इन करा देंगे इसके आउट की वोल्टेज, सॉरी ऑडियो को, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने इसकी। चाहे तो आप इस जगह पे वायर भी जोड़ सकते हैं अगर ये इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो अब दूसरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट, ये आप देख सकते हैं यहाँ ओ लिखा हुआ है, एल लेफ्ट आउट ग्राउंड फिर राइट ओ करके लिखा हुआ है आउट। तो क्या करना है कि जो यहाँ से थी ऑडियो उठ के जो जहाँ पे भी लगी हुई होगी ये बोर्ड में, वहां से आपको 3 वायर उसे निकाल के ये पहले जिग जोड़ लेनी है, आपको एक जिग जोड़ लेनी है, फिर ये जो 3 वायर आपने निकाली थी हालांकि ये यहाँ लगी रहती है एम्पलीफायर में इस जगह पे, तो ये वायर निकाल के आपको जहाँ ये लिखा हुआ है आउट और यू आउट लिखा हुआ है आपको वहां जोड़ देना है इस वाले वायर को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों वायर जुड़ चुकी है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 3D इफेक्ट ऑन ऑफ के लिए है ये, यहाँ 3 पिन लगी हुई है ये ऑन ऑफ के लिए है। तो ऑन ऑफ के लिए आपको कनेक्शन किस तरीके से करना है, 3 वायर लेनी है, तीनों को सीधे सीधे यहाँ पे जोड़ देना है, और उस वाले का कनेक्शन ध्यान करके कि ये पीछे साइड ही होना चाहिए, इस वाली पिनों तक कनेक्ट नहीं होना चाहिए वरना इधर भी वोल्टेज आ जाएगी। तो इस तीनों वायर को इस वाले पे जोड़ देना है क्योंकि इसमें बीच में ग्राउंड है और दोनों साइड ऑडियो के लिए है ऑन और ऑफ के लिए। तो इसको इसके अंदर लगा देते हैं, जरूरी नहीं है इसी तरीके से लगाएं, आप पलट के भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपने यहाँ कनेक्शन किया होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑन होना चाहिए या किस टाइम ऑफ होना चाहिए। तो इतना कनेक्शन होने के बाद जो ये 2 वायर मैंने बताया था अभी अभी आपको जो 12 वोल्ट पे जुड़ेगी, ये ध्यान रखना है 12 वोल्ट पे जोड़नी है। तो हालांकि आप इसमें देख सकते हैं, तो चलिए मैं इसे 12 वोल्ट पे जोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से है ये आप देख सकते हैं कि किधर वायर 12 वोल्ट जुड़ी हुई है, उधर साइड वाले पे 12 है और ये वाला ग्राउंड है, तो जिधर 12 वोल्टेज जुड़ी हुई है आपको ध्यान करके उधर ही वो जहाँ वी लिखा हुआ है वहां जोड़ना है, और जहाँ ग्राउंड लिखा हुआ है वहां पे ग्राउंड वाले वायर जोड़नी है और 12 वोल्ट पे 12 वोल्ट। तो इस तरीके से ये पूरा कनेक्ट हो चुका है, तो इसी तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। फिर उसके बाद हम इस बोर्ड को इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे हम इस बोर्ड को, और ये जहाँ लगाना है वहां लग जाएगा।
तो मैं अभी इसे आपको चेक करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जहां से भी इस ऑडियो के बारे में, किसी भी एम्पलीफायर में जहां से भी ऑडियो इन आउट होती है, तो आउट होके हमेशा ऑडियो किसी जहां से, इधर से जैसे कि आउट हो रही है तो हमेशा इन में ही जाएगी। जहां जो भी आप अगर बोर्ड एक्स्ट्रा अलग से लगाते हैं कोई भी बोर्ड, तो उसके इन में ही जाएगी, फिर इन होके फिर वहां से आउट होएगी। अगर आपको बीच में कोई बोर्ड लगाना है तो, जैसे कि यहाँ पे हम पीछे ऑक्स लगाते हैं, तो पीछे क्या आता है, सबसे पहले मोबाइल में से, जो मोबाइल होता है या लैपटॉप कंप्यूटर जिसमें से भी हम ऑडियो देते हैं पीछे, तो उसमें से आउट होता है, जो जहां से भी हम मोबाइल से जैसे कि ऑक्स में से देंगे उसमें से आउट होएगा। फिर ये होता है इन के लिए। यहाँ आपने कभी कार देखा भी होगा कि इन ऑडियो इन करके, तो यहाँ से इन होता है, फिर यहाँ से इन होएगा, यहाँ से इन होएगा, फिर इसके इन यहाँ तक का पूरा इन होता है, ये इसके इन तक जाता है। वैसे भी यहाँ इन होता है क्योंकि जब जहाँ ये वाली वायर जुड़ी रहती है, सॉरी, जहाँ ये तीन वाली वायर कार्ड से लेकर वहाँ तक जुड़ी रहती है, वहाँ भी वहीं ये वाली वायर जुड़ी रहती है। दोनों एक जगह ही वायर जुड़ी रहती है, हल्का फुल्का अंतर रहता है बस एक रेजिस्टेंस का, तो यहाँ तक की इन होती है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको, अगर आपको इस तरीके का सक्का कोई भी बोर्ड हो तो आपको इसी तरीके से कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं आपको इसको बोर्ड को चेक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से चल रहा है। उसको मैं चेक करने के लिए आपको कॉलम जो होते हैं बड़े वाले उस पर चेक करके दिखाऊंगा, यहाँ चेक नहीं कर सकता मैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चलिए अब ऑडियो देख लेते हैं किस तरीके से आ रही है इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.